और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सो भाई लोग, आज मैं आपको कुछ ऐसे अपडेट लीक्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे स्टम्बल गाइस का आने वाला फ्यूचर होने वाला है। एंड इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो भाई, जो लोग भी स्टम्बल गाइस खेल खेल के अभी थोड़ा बहुत बोर हो गए हो, वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद भाई और स्टम्बल गाइस को पक्का नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही डिसाइड कर पाओगे 2-3 महीने बाद भाई हम लोगों का स्टम्बल गाइस कैसा होने वाला है। सो चलो भाई लोग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो भाई लोग, सबसे पहले तो इन लीक्स को हमारे साथ हमारे M4NYT भाई ने शेयर किया है, एंड उनके चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो लीक्स है भाइयों, ये लीक शायद से 0.34 वर्जन में ना आए, आने वाले फ्यूचर में भी आ सकता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि भाई ये जो लीक्स है ये ज़रूर से आएगा। तो सबसे पहला जो लीक है भाई, आप लोग देख के समझ ही गए हो कि स्टम्बल टास्क, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोला था कि भाई जैसे पबजी फ्री फायर में हम लोगों को टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, मतलब गेम में भाई ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, तो स्टम्बल गाइस में भी कुछ इस तरीके का हो सकता है। आप लोग देख सकते हो कि भाई 5 times पंच करने पे हम लोगों को कुछ जेम्स मिलेगा, एंड उसके बाद भाई 3 times हक करने से कुछ मिलेगा, एंड और भी भाई इस तरीके के किक करने से या और कुछ करने से हम लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट अभी निकल के आया है। एंड आप लोगों को क्या लगता है, ये अगर आ गया तो गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं, ये कमेंट करके भाई ज़रूर से बता देना। सो भाई लोग, नेक्स्ट जो लीग निकल के आ रहा है वो है भाई टायर के बारे में, इसको आप लोग लीग भी बोल सकते हो। अभी आप लोग जानते हो कि पबजी फ्री फायर में भाई हम लोगों को टायर या लीग मिलता है, जिसमें कि भाई गोल्ड लीग, सिल्वर लीग, ग्रैंड मास्टर, बहुत कुछ होता है। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट भाई शायद से स्टम्बल गाइस में भी हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, कि जहाँ पर भाई कुछ क्राउन्स हम लोग इकट्ठा करेंगे तो हम लोगों को सिल्वर टायर पे, उसके बाद गोल्ड टायर, एंड उसके बाद डायमंड टायर, इस तरीके का कुछ भाई हो सकता है। हालांकि ये बिल्कुल मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन लगता है भाई ये लोग इस तरीके का कुछ फ्यूचर में लाएंगे। और अगर भाई ये लाते हैं ये लोग, तो आप लोगों को कैसा लगेगा भाई कॉमेंट करके ज़रूर से बता देना। सो भाई लोग, नेक्स्ट जो लीक निकल के आ रहा है वो है भाई जेम्स ट्रांसफ़र के बारे में। अभी आप लोग जानते हो कि भाई जो लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है वो लोग ही जेम्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, और भाई हम लोगों को अभी भी भाई रिडीम कोड से ही जेम्स भाई ख़रीदना पड़ता है। तो इस तरीके का एक ऑप्शन भाई शायद से फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, कि हम लोग सभी भाई जेम्स ट्रांसफ़र कर पाएंगे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर। मतलब कि भाई आप अपने किसी फ्रेंड को अगर जेम्स देना चाहते हो, या आपका कोई फ्रेंड आपको देना चाहता है, तो आप लोग भाई गेम के अंदर से ही उसको इजीली कर पाएंगे। एंड ये अपडेट मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है ये दोनों अपडेट में से। तो आप लोगों को कौन सा अपडेट भाई सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड हाँ, अगर आपको भाई 0.34 के कॉन्फर्म लीक्स के बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको रिलीज डेट के बारे में जानना है तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो भाइयों।